हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू गाइस कैन सी के आंटी अभी मेरी फेस में मसाज कर रही है। तो अभी इन्होंने मेरी फेस पे यूज़ किया है लोटस का जो क्लींजर है, लोटस प्रोफेशनल पूरा वाइट क्लींजर। तो इससे अभी अच्छे से क्लीन अप कर रहा है, मतलब मेरी फेस को क्लीन कर रहा है। तो ये क्लीन करने के बाद, मतलब इसको थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा मसाज करके इसको आंटी हटा रही हैं अभी। तो इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो अप्लाई कर रहा है आंटी वो है स्क्रब। और ये जो स्क्रब आप देख रहे हो ये वाला वाटरी स्क्रब है, मतलब जिन लोगों की स्किन पे रैश है, ऑयली स्किन है, पिंपल्स है या कोई भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है एरोमा मैजिक का एक्सफोलिएटिंग जेल और ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। ये स्क्रब की तरह काम करते हैं, मतलब ये स्क्रबिंग जेल बोल सकते हैं जिसमें कोई छोटा छोटा बिट्स नहीं है और ये बहुत अच्छा है। ये इससे स्क्रबिंग करने से फेस में कोई भी रैश या पिंपल्स हो तो उसका और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं रहता है। इसको 5 मिनट रखने के बाद में आंटी इसको अच्छे से वॉश कर देगी। वॉश करने से पहले हाथों से थोड़ी देर मसाज करेगी आंटी, मसाज कर रही हैं, मसाज करने के बाद इसको वॉश कर देगी। तो ये रहा स्क्रब। तो आप जब भी स्क्रब करेंगे तब कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अच्छे से मसाज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की फेस पे जो डेड सेल रहते हैं स्क्रबिंग के लिए वो पूरा, मतलब स्क्रबिंग करने से डेड सेल जो है पूरा निकल जाते हैं फेस से। तो ये जो स्क्रब है, मतलब ये मैं फिर से बता रही हूँ, किसी का भी स्किन में सेंसिटिविटी या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई स्क्रब ढूंढ रहे हो कि एक्ने या पिंपल स्किन के लिए कौन सा वाला अच्छा है, तो सबसे अच्छा है एरोमा मैजिक का एक्सफोलिएटिंग जेल। ये वाला आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये वाला मैं भी यूज़ करती हूँ। ये वाला मैं यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि पहले मेरी मुँह पर थोड़ी रैशेस की प्रॉब्लम होते थे, पहले मेरे मुंह पे कुछ पिंपल्स आते थे, एक्ने होते थे, तो इसको यूज़ करने के बाद धीरे धीरे वो आना जो है बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये जब से मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना उसके बाद से मुझे लगा कि सच में ये मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है। तो ये आंटी अभी स्क्रबिंग कर रही हैं। अभी स्क्रब करने के बाद आंटी इसको अच्छे से क्लीन कर रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फेस कितना क्लीन लग रहा है और कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन पे थोड़ा सा टैन था वो भी पूरा हट गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, आप लोग सोच सकते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपनी फेस पे, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ मैं ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं वीडियो की लास्ट में बताऊँगी, आप लोग आखिरी तक देखते रहिए। अभी आंटी यूज़ कर रही है लोटस प्रोफेशनल की ऑयली स्किन मसाज जेल। ये जो मसाज जेल है ये किसी का अगर ऑयली या सेंसिटिव या एक्ने स्किन है उसके लिए सबसे अच्छा जेल इसको माना जा सकता है। और फेशियल में, क्लीन अप मसाज में इसी जेल को मैं समर में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि विंटर में क्रीम से मसाज करना अच्छा रहता है, तो इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है कि आंटी इसके बाद भी क्रीम लगाएगी, पहले जेल अप्लाई कर रही है अच्छे से फेस में। जेल से अच्छे से मसाज करने के बाद 2-5 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आंटी फेस पे मेरी क्रीम लगाएगी। और मैंने आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया है,
वो एक्सपेरिमेंट है कि मैं आयुर की क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोचा कि यार थोड़ा अलग कुछ ट्राई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाज़ार में आयुर का ब्रांड है जो सबसे पुराना है और सबसे पहले आया था, और हम लोग को पता है बचपन से हम लोग इसी को यूज़ करते, जो लोग फेशियल या पार्लर की काम में है उन लोगों को पता है आयुर कितना अच्छा ब्रांड है। तो मैं आयुर की मसाज क्रीम इधर यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ही आता है। तो आंटी आयुर की मसाज क्रीम मेरी पूरा फेस पे लगाया है अच्छे से। मसाज क्रीम लगाने के बाद में फिर आंटी अच्छे से 10 से 15 मिनट मसाज करेगी। 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद फिर आंटी इसको हटा देगी। तो इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं क्लीन अप मसाज। और क्लीन अप मसाज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेशियल में क्या होता है, लास्ट में पैक लगाए जाते हैं, बट क्लीन अप मसाज में हम लोग लास्ट में कभी पैक नहीं लगाते हैं। किसी की स्किन अगर ड्राई हो, किसी की स्किन अगर हाइड्रेशन की कमी हो किसी की स्किन में, तो आप लोग क्लीन अप मसाज कर सकते हैं। और मैं तो विंटर में क्लीन अप मसाज ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्लीन अप मसाज करने से स्किन बहुत ही हेल्थी, हाइड्रेटेड, और जो टैन होता है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो विंटर में आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर ड्राई स्किन है, अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग क्लीन अप मसाज करने के लिए, क्योंकि हर टाइप का स्किन जो है वो विंटर में थोड़ा सा ड्राई फील होता है, तो क्लीन अप मसाज सबसे अच्छा रहता है। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत क्रम में होता है, मतलब अच्छे अच्छे सैलून में मैंने देखा 350 में इसका हो जाते हैं, 300, 350 या 400 में, अगर कोई आप पार्लर या सैलून में करेंगे तो। तो आंटी यहाँ पे मसाज करना स्टार्ट कर दी है। मसाज की जो स्टेप है वो अच्छे से आप लोग देखिए, जो लोग बिगिनर से, या यहाँ पे अगर कोई बिगिनर से जिसको फेशियल करना है बाद में दूसरे का या खुद अपना करना चाहती है, तो वो इस तरह स्टेप फॉलो करके कर सकती है, क्योंकि आंटी बहुत ही अच्छी है। और मैं इनको ही हमेशा बुलाती हूँ घर पे, ये आंटी आती है आके सब कुछ करती है, मतलब बॉडी मसाज से लेकर फेशियल जो भी मुझे करना है मैं इनसे ही करवाती हूँ, क्योंकि इनका काम बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को आंटी के साथ बात करना है काम के बारे में, अगर आंटी के कोई भी सर्विस लेना है, फेशियल, बॉडी मसाज या हेयर ऑयल मसाज या पार्लर रिलेटेड कोई भी आप लोगों को अगर सर्विस चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को आंटी की जो कॉन्टैक्ट है वो शेयर कर दूँगी। तो आंटी यहाँ पर अच्छे से मसाज कर रही हैं, ये लगभग 10 से 15 मिनट तक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मसाज कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से देखिए।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं तो मसाज करते करते मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन हुआ कि एक टाइम पे मुझे थोड़ा नींद आ गया था। तो आप लोग अच्छे से अभी देख सकते हैं कि आंटी किस तरह मसाज कर रही हैं, और मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद में ये ट्राई किया है। अभी तो बाहर मैं नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा करते, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा करना चाहिए। बहुत दिन हो गया मैंने स्किन के लिए कुछ भी नहीं किया। तो देखिए क्लीन अप मसाज में यही होता है कि लास्ट में मसाज करते करते जो क्रीम है वो पूरा फेस पे बैठ जाते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग चाहते हैं तो क्रीम को हटा के मॉइस्चराइजर भी यूज़ करते हैं, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। আমার ক্লিন আপটা আপনাদের কিরকম লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে আপনি আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে? নমস্কার, নমস্কার।